हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। पिछले 6 से 7 महीनों के करंट अफेयर्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में होगी स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो स्टूडेंट्स और फर्स्ट क्वेश्चन इज 2018 का सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता है। तो स्टूडेंट 2018 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखिएगा हॉकी का ये टूर्नामेंट होता है सुल्तान अजलान शाह कप, जिसे इस बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और बात करते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर किसे हराया है ऑस्ट्रेलिया ने सुल्तान अजलान शाह कप जीतने के लिए। तो स्टूडेंट्स वो टीम है इंग्लैंड। इंग्लैंड को 2-1 के गोल से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने इस बार के सुल्तान अजलान शाह कप में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी 2018 में कर्नाटका को हराकर किसने पहला स्थान हासिल किया। जो 45 एडिशन हुआ है देवधर ट्रॉफी का, किसने डिफीट किया है कर्नाटका को इन द फाइनल मैच बाय 6 विकेट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स फाइनल में कौन हारा है देवधर ट्रॉफी के, तो दैट स्टेट इज कर्नाटका। कर्नाटका को फाइनल में हराया है और जीता है इस बार की देवधर ट्रॉफी इंडिया बी ने। याद रखिएगा इंडिया बी ने जीती है इस बार की देवधर ट्रॉफी 2018, और ये मैच ऑर्गेनाइज हुआ था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के अंदर, और वहां पर कर्नाटका को 6 विकेट से हराया है इंडिया बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में पहली भारतीय महिला जिसने एशियन रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। हु इज द फर्स्ट फीमेल इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो उनका नाम है नवजोत कौर। याद रखिएगा एशियन रेसलिंग कॉम्पिटिशन में पहली इंडियन रही है फीमेल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा। अब स्टूडेंट्स विच स्टेट इज ऑन नंबर 1 ऑन खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। अब मैं पहले आपको बता दूं कि खेलो इंडिया अभी ऑर्गेनाइज कहां हुआ है, हाल ही में दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, और इसमें पहले नंबर पर रहा है हरियाणा स्टेट। अभी हम पूरी टैली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट इसमें कौन से नंबर पर रहे। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, यहाँ ये लोगो देख सकते हैं खेलो इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 31 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2018 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली के अंदर। वहीं मैं मेडल टैली की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं 38 गोल्ड 26 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज के साथ 102 मेडल लेकर हरियाणा रहा पहले स्थान पर, महाराष्ट्र रहा 111 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर, और दिल्ली रहा 94 स्थान पर, यानी 94 नंबर पर रहा दिल्ली। और आप देख सकते हैं मेडल टैली के अंदर यहाँ पर आखिरी में आ रहा है वेस्ट बंगाल जो कि 15 मेडल के साथ यहाँ रहा आगे स्थान पे। चलते हैं अब आगे और देखते हैं खेलो इंडिया गेम से ही कुछ और। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेलो इंडिया प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया। हु लॉन्चेस दिस गेम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो स्टूडेंट्स ये चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ द्वारा। आपने लोगों के नीचे देखा होगा वहां लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खेलो इंडिया स्कूल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है उसका इनॉग्रेशन किसने किया था। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इस खेलों का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट किसने जीता है इस बार। तो हु वॉन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इस बार का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने इस गेम को जीतने के लिए डिफीट किया है फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से। तो फाइनल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया ने इस बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 की, जो कि जनवरी में ऑर्गेनाइज हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पूरा चार्ट दे रहा हूं जिसके अंदर सारे विनर्स की लिस्ट है, मेंस सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, वुमेन्स सिंगल और मिक्स डबल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन सिंगल्स की। तो स्टूडेंट्स मैन सिंगल्स के अंदर जो रोजर फेडरर रहे हैं इस बार स्विट्जरलैंड के, जो दूसरी वरीयता प्राप्त है पूरे विश्व के अंदर लॉन टेनिस के अंदर, तो उन्होंने इस बार जीता है मैन सिंगल और हराया है इन्होंने मारिन
क्लिको। वुमेन सिंगल्स की बात करते हैं तो कैरोलिन ने हराया है सिमोना को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में विनर के साथ साथ रनर अप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे कि रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसको हराया है और जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो याद रखिएगा, रोजर फेडरर ने हराया है मैरिन क्लिक को, जो कि है कॉर्डिया के, और रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड के। बात करते हैं वुमेन सिंगल की, तो कैरोलिन ने हराया है जोकोविच को और सिमोना जो कि रोमानिया की है। मेंस डबल की बात करते हैं तो ओलिव और मेट की जोड़ी ने हराया है रॉबर्ट और कैबल की जोड़ी को। इसके साथ साथ वुमेन्स डबल की बात करते हैं तो क्रिटिना और टीम की जोड़ी ने हराया है एलिना और एक्रीना को। मिक्स डबल में स्टूडेंट्स गैब्रियल और मेट की जोड़ी ने हराया है रोवन बोपन्ना और टीम बॉब्स की जोड़ी को। तो याद रखिएगा, मेन सिंगल्स में रॉजर फेडरर ने जीता है मैरिन को हरा के, वुमेन सिंगल्स ने जीता है कैरोलिन ने जीता है सिमोना को हरा के, और यहाँ पर मेंस डबल में ओलिव और पेविक की जोड़ी ने जीता है कैब्रियल और रॉबर्ट की जोड़ी को हराकर, वुमेन्स डबल में कैटरीना और डेम की जोड़ी ने जीता है एलिना और एक्ट्रीना को हराकर, मिक्स डबल में गैब्रियल और मेट की जोड़ी ने जीता है रोहन और टीम की जोड़ी को हराकर। तो याद रखिएगा इन सारे ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर्स को। सो स्टूडेंट्स, आज है 5 अप्रैल और आज ही के दिन ये खबर मिली हमें अभी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के सिल्वर मेडल के साथ भारत ने अपना खाता खोल लिया है। सबसे पहला मेडल जो भारत को मिला है कॉमनवेल्थ गेम 2018 में, वो मिला है सिल्वर मेडल, और वो मिला है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के अंदर, और इस मेडल को जीतने वाले हैं गुरु राजा ने ये मेडल जीता है। देखिए ये है उनकी पिक जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 की है, जिसमें उन्होंने 56 किलोग्राम भार वर्ग में ये जीता है सिल्वर मेडल। पहला मेडल है कॉमनवेल्थ 2018 का ये, और इंडिया ने सिल्वर मेडल के साथ अपना पहला खाता खोला है। बात करते हैं एक और मेडल की जो आज ही जीता है इंडिया ने। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मेडल है वो है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में, 5 अप्रैल को ही पहला गोल्ड आया है, और ये गोल्ड दिलाया है हमें मीराबाई चानू ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है स्मैशिंग के अंदर। बात करते हैं उस रिकॉर्ड की, तो स्टूडेंट्स ये है मीराबाई चानू, और वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। बात करते हैं इस रिकॉर्ड की, तो शी इज कम्पीटिंग इन 48 kg इवेंट एंड ब्रोक द रिकॉर्ड इन द स्नैच कैटेगरी लिफ्टिंग 86 kg इन द थर्ड अटेम्प्ट। तो 86 किलो वजन उठाया इन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में। सेकंड प्लेस मिला है अमांडा ब्रेडॉक को, जिन्होंने मैनेज किया है 76 kg। तो कुल मिला के बात यह है कि मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड दिला दिया है कॉमनवेल्थ गेम 2018 का। तो याद रखिएगा, पहला सिल्वर मेडल किसने दिलाया, और पहला मेडल सिल्वर रहा दिलाया है गुरु राजा ने, दूसरा मेडल रहा गोल्ड, और पहला गोल्ड जो है इस बारे में कॉमनवेल्थ गेम 2018 का वो दिलाया है मीराबाई चानू ने इन वेटलिफ्टिंग कैटेगरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट 2017 का रणजी क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है, तो स्टूडेंट पहली बार विदर्भ ने ये टूर्नामेंट जीता है, यानी पहली बार विदर्भ बना है रणजी का चैंपियन। रणजी 2017 से 2018 के बीच में जो ऑर्गेनाइज हुआ है उसके जो चैंपियन बने हैं वो बने हैं विदर्भ, और विदर्भ ने स्टूडेंट किसको हराया है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदर्भ ने हराया है दिल्ली को, 280 रन पे ऑल आउट कर दिया था विदर्भ ने, और उसके बाद लीड लेकर उन्होंने ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। तो याद रखिएगा 2017 का रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है विदर्भ ने, और ये मैच कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स, ये मैच ऑर्गेनाइज हुआ था होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में स्थित है, और फाइनल में हराया किसको है, फाइनल में हराया है दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चेस टाइटल 2017 किसने जीता, Who won World Chess Title 2017? तो स्टूडेंट चेस में तो आपको सिर्फ एक ही नाम पता होगा जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, वो है विश्वनाथन आनंद। तो याद रखिएगा वर्ल्ड चेस टाइटल 2017 जीता है विश्वनाथन आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के जनरल मैनेजर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो स्टूडेंट हाल ही में अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई जनरल मैनेजर किसे किया गया है, वो है सबा करीम इज अपॉइंटेड एज एन जनरल मैनेजर इन बीसीसीआई रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मीराबाई चानू, जी हाँ, जिसने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलाया है गोल्ड पहला, उन्हीं ने ही वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दिलाया था गोल्ड। ये जो चैंपियनशिप थी 2017 में ऑर्गेनाइज हुई थी, और इनके अंदर भी मीराबाई चानू ने इंडिया को गोल्ड दिलाया था। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है दोहा में, और इसे जीता है पंकज अडवाणी ने। बिलियर्ड्स की कैटेगरी में बहुत ही जाना पहचाना नाम है पंकज अडवाणी का, और अपने फाइनल मैच में इन्होंने हराया है माइक रसल जो कि इंग्लैंड के हैं 6-2 से। तो याद रखिएगा पंकज अडवाणी ने जीता है विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप दोहा के अंदर,
और फाइनल मैच में इन्होंने हराया है माइक रसल को जो कि है इंग्लैंड से और इन्हें हराया है 6-2 से। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें आपके बारे में पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, और शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स ताकि औरों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके। और इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।